Definitely get our growth back. रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है, और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ, 18 मई को वही बढ़कर 38.29%, और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए, और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेज आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें, और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फेटैलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फेटैलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फेटैलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड।